Hey, what's up guys? Welcome back to another video. मैं हूं यश कदम और आप लोग देख रहे हैं फिट बाई। तो गाइस आज के वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप लोग लेफ्ट ओवर राइस यानी कि बचा हुआ राइस का यूज करके आप लोग एक टेस्टी और हेल्दी एग फ्राइड राइस घर पे कैसे बना सकते हो बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा। लेकिन ना मैं इसमें कोई अजीनोमोटो यूज करने वाला हूँ ना ही कोई फ्राइड राइस मसाला, फिर भी इसका टेस्ट बहुत ही ज्यादा अच्छा होने वाला है और साथ ही साथ ये हेल्दी भी है। बनाने के लिए बहुत ही सिंपल है, कम से कम इंग्रेडिएंट्स के साथ जो आपके घर पे इजीली अवेलेबल रहेंगे। और एक चीज गाइस, अगर आप वेजिटेरियन हो तो कोई बात नहीं, आप लोग एग्स को रिप्लेस कर सकते हो सोया चंक्स या तो फिर पनीर से, ये भी एक बेटर ऑप्शन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा, और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम का आईडी आपकी स्क्रीन पे आप लोगों को दिखता रहेगा, जाके जरूर फॉलो कर लेना। तो गाइस सबसे पहले हम लोग लेंगे एक पैन, और पैन में ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून ऑयल, कोई भी ऑयल यूज कर सकते हो, और ऑयल को थोड़ा सा पैन में स्प्रेड कर दीजिए। और उसके बाद हम लोग ऐड करेंगे 2 होल एग्स, आप चाहे तो एग्स की क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हो, आपके ऊपर है। इसके बाद इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट थोड़ा सा टेस्ट के लिए, और साथ ही साथ 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर, और बस इसे आप 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से मिक्स करते रहिए और ये 2 से 3 मिनट में प्रॉपरली कुक हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हो ये अच्छे से कुक हो गया है, मैं इसको अलग से प्लेट में निकाल के रख देता हूं। इसके बाद वही सेम पैन को थोड़ा सा क्लीन करके उसमें ऐड करना है 1/2 टेबलस्पून ऑयल, और ऑयल को पैन में अच्छे से स्प्रेड कर देना। इसके बाद इसमें ऐड करना है चॉप्ड गार्लिक जो कि 1 टेबलस्पून है, और थोड़ी देर के लिए 30 सेकंड तक इसे थोड़ा सा सौते कर लीजिए ऑयल में। तो चलिए अभी वेजिटेबल्स ऐड करते हैं। वेजिटेबल्स में मैं यूज़ कर रहा हूँ चॉप्ड कैप्सिकम, थोड़े से चॉप्ड कैरेट, और साथ ही साथ चॉप्ड ग्रीन बीन्स। आप लोग के पास जो भी वेजिटेबल्स है आप लोग उसका यूज़ कर सकते हो, और इसे बस 2 से 3 मिनट के लिए ऑयल में अच्छे से कुक कर लीजिए। और जैसे ही ये कुक हो जाते हैं इसमें मैं ऐड करूंगा स्प्रिंग ऑनियन के लीव्स, और साथ ही साथ थोड़े से स्प्रिंग ऑनियंस, और इसके बाद हम लोग इसमें फाइनली ऐड करेंगे कुक्ड व्हाइट राइस। मैं यहाँ पे 150 ग्राम्स यूज कर रहा हूँ, आप लोग क्वांटिटी चाहे तो आप लोग के हिसाब से बढ़ा सकते हो। और साथ ही साथ अभी इसमें हम लोग डालेंगे एग जो हम लोग ने साइड में रखा था, और उसके बाद 1 टेबलस्पून सोया सॉस, थोड़ा सा सॉल्ट टेस्ट के लिए, और साथ ही साथ ब्लैक पेपर पाउडर, और उसके बाद बस इसे मिक्स कर दीजिए, अच्छे से मिक्स करना, और कुछ ही मिनट में आपका एग फ्राइड राइस एकदम रेडी हो जाएगा। और चाहे तो लास्ट में आप इसे स्प्रिंग ऑनियन के लीव से गार्निश कर सकते हो। तो चलिए रेडी हो गया, मैं इसे प्लेट में सर्व कर लेता हूँ। तो गाइस ये थी एग फ्राइड राइस की रेसिपी, बहुत ही सिंपल है, आप लोग ने देखा रहेगा वीडियो में, तो जरूर ट्राई करना, मुझे कमेंट सेक्शन में रिव्यू जरूर बताना। और ऐसी कोई वीडियो चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, या तो फिर इंस्टाग्राम पे डीएम करके भी बता सकते हो। और एक चीज, आप लोग मेरी कोई भी रेसिपी ट्राई करोगे तो इंस्टाग्राम पे स्टोरी जरूर डालना, मुझे टैग करके, बहुत हेल्प हो जाता है इससे, ताकि आपके दोस्त लोग को भी पता चले। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पर नए हो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और मैं नहीं चाहता आप कोई भी वीडियो मेरी मिस करो, इसलिए बेल आइकन जाके जरूर प्रेस कर लेना। तो चलिए गाइस मिलता हूं आप लोगों को अगली वीडियो में।